कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर इस कोरोना काल में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाने को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर पीने के पानी की समस्या है, लेकिन ना तो फिटर सही ढंग से काम करते हैं और ना ही अधिकारी लोगों का काम कर रहे हैं। हर एक के पास यही बहाना है कि कोरोना महामारी फैली है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना काल चल रहा है तो इसका मुकाबला हौसले के साथ करना पड़ेगा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही में उनका कहना था कि इस समय प्रदेश में कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन लोगों को सुविधाओं से महरूम नहीं किया जा सकता। कोरोना का इलाज किया जाना चाहिए, सरकार को मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवानी चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, लेकिन अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाए तो इससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो पिछला अगर विधानसभा की कार्रवाई को उठाएं तो मैंने विधानसभा में कुछ प्रश्न आईपीएच मंत्री जी से पूछे थे और वो पूछे थे मैंने कि भाई सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो है वो क्या कदम उठा रही है, और रेफरेंस मैंने दिया था अपने चुनाव क्षेत्र का कि मेरा नैना देवी चुनाव क्षेत्र जो है वो मां नैना देवी के नाम से तो है लेकिन सूखा ज्यादा है और उसके लिए क्या विशेष प्रावधान जो है वो हो सकते हैं। तो उसमें मंत्री जी ने कहा था कि भाई हैंड पंप लगवाएंगे, तो मैंने अभी जब देखा तो हैंड पंप गर्मियां खत्म हो जाएगी क्योंकि जून में न रह गया, जून महीने के बाद 15 जुलाई के बाद बरसात आ गई, कई बार जो है वो शावर्स बरसात से पहले पड़ जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो विधानसभा का जो सेशन था उसके बाद जो मंत्री जी ने जो पैसा देने की बात करी कि जी 200 हैंडपंप लग जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा एक भी हैंडपंप नहीं लगा। अब हो ये रहा है कि सूखा पड़ गया है, पानी है नहीं, और दूसरी तरफ जो है ये जो हैंडपंप है उसको जो है ना इंस्टॉल करने का जो टेंडर है वो भी फ्लोट नहीं हुआ है, और कि कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, क्या क्या शर्तें होंगी, तो अभी तक वही फैसला नहीं हुआ है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि ये आज सिर्फ जेजीएम के सहारे टिके हुए हैं। अब और अखबारों में आ गए कि 1200 कुछ करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेजीएम में और दे दिया। मैं ये कहना चाहूंगा जेजीएम से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, जेजीएम से जो है वो दो पंजाब के ठेकेदारों को काम मिल रहा है और यहाँ पे जो दो नंबर का काम करने वाले हैं उनको काम मिल रहा है क्योंकि पाइपें बांटी जा रही है। वो जो है एक आदमी जाता है वो 50 पाइपें ले जाता है, वो दवाएगा भी वही और वो इंस्टॉल भी वही करेगा, सिर्फ बिल जाएगा ठेकेदार का और ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगी। आज मैं कहना चाहूंगा जिस पब्लिक की जो स्कीमें हमने बनाई थी, जिस स्कीम के ऊपर 100 कनेक्शन लगे हुए थे जेजीएम से, वहां पे 400-500 कनेक्शन लग गए लेकिन पानी नहीं आया। और ये भी मैं मानता हूं क्योंकि मंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि इस बार हम जेजीएम की तरफ से जो है वो हम नलके लगाएंगे, पानी अगले साल आएगा, तब तक जो है जो पुरानी स्कीमें हैं जो पानी आ रहा था वो पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास ये भाखड़े का एरिया है, मकड़ी का एरिया है, सलोहा का एरिया है और ये साथ में नैना देवी के साथ साथ का एरिया है, गोविंद सागर किनारे किनारे पे ये सारा जेजीएम का पैसा उस पर लग रहा है, लेकिन लोग आज भी रो रहे हैं। मैं कल भी एक्सिन साहब को बोला, मैंने चीफ इंजीनियर को बोला कि भाई बहुत बुरा हाल है, जो आपके SDO हैं जो रिटायरमेंट पे या बीमार उनको लगाते हैं स्वारघाट में, अब का जो है ना वो रिटायरमेंट पे है, वो बोलता है मेरी तो रिटायरमेंट लेनी है, यही एक है स्वारघाट से लेके भाखड़ा तक। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।